लगता है 2 साल मस्त जाने वाला। मेरा एडमिशन तो यहाँ पे नहीं हो, चलो अब दूसरे कॉलेज में देखते हैं। देखो इस गधे का केला खाने का स्टाइल। पापा ये लो यार, ये बिंग गया, पकड़ो। मैं सोचा नहीं था कि चाय की टपरी में यहाँ दीनदयाल में ये गाना सुनने मिलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी का सीन ऐसा है कि नाश्ते के लिए कुछ घर पे अच्छा है नहीं, तो मैं जा रहा हूँ कुछ फ्रूट्स लेके आने के लिए, अपना शेक बना के पीऊँगा। उसके बाद अपन को आज कॉलेज के फिर चक्कर काटने हैं, अपना मार्कशीट फर्स्ट ईयर का रह गया तो वो लेने जाना है। फिर कोशिश करेंगे न्यू कॉलेज में एडमिशन भी आज ही ले लें, ये कॉलेज के चक्कर तो कम से कम ख़त्म हो। तो भाई लोग अपन ने फल तो ले आए हैं, ये रहा, तो चलो अब घर पे चल के नाश्ता करते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया। तो तैयार है, चलते हैं, आज डे 2 है, देखते हैं अपन कितने दिन में एडमिशन ले पाते हैं कॉलेज में। म्यूजिक तो भैया लोग, यहाँ से हमारा नया सफ़र शुरू होता है नए कॉलेज के लिए, पर हमें क्या पता था कि किस्मत हमारे साथ क्या करने वाली है। ये जो आपको खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जो नए नए नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं श्रीराम कॉलेज। तो भाई लोग, श्रीराम में एंटर होते ही साथ बढ़िया लगा यार, अच्छा कॉलेज है, इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, उस तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग, एक इधर भी बिल्डिंग, एक इधर भी बिल्डिंग, तो लग रहा है कि हाँ कॉलेज है। तो गाइस, अपन ने रिसेप्शन में पूछा कि MBA में एडमिशन लेने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, किस रूम में, तो बोला गया है कि G40 रूम नंबर में चले जाओ। अब इधर पे G40 रूम नंबर कौन सा है? वैसे व्यू अच्छा लग रहा है, बिल्डिंग अच्छी है, लगता है 2 साल मस्त जाने वाला है, माहौल भी तगड़ा ही है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि मेरा एडमिशन तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि OBC वालों का ये लोग 1 लाख रुपये 2 साल का मांग रहे हैं MBA कोर्स का, प्लस में कह रहे 70% अबव होगा तो ही लेंगे 3 साल का एवरेज, नहीं तो फिर तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ रहन देते हैं, ये वाला कॉलेज छोड़ते, दूसरे कॉलेज चलते हैं, इतना तो एवरेज परसेंट आ भी जाएगा, लेकिन मैं इतना फाइनेंशियली नहीं हूँ कि मैं 1 लाख रुपये 2 साल का बस दूँ, नहीं हो पाएगा, चलो अब दूसरे कॉलेज में देखते हैं। भाई लोग, श्रीराम में 68 और 70% पे भी यहाँ पे एडमिशन तुमको MBA में नहीं मिलने वाला है, अब वेटिंग लिस्ट चालू है, और अगर लेना है तो देना 1 लाख रुपए, तब होगा। सुनना सुनना लागे, वही वाला हाल है भाई। कितना ख़राब लग रहा है भाई, मैं सोचा नहीं था कि चाय की टपरी में यहाँ दीनदयाल में ये गाना सुनने मिलेगा, कोको कोला वाला सॉन्ग चल रहा है मस्त, एक नंबर और चाय। हाँ हाँ, तो भाई लोग घर आ चुके हैं और सीन ऐसा बन रहा है, मुझे नहीं लगा था यार कि एकदम से ऐसा होगा, अभी तो हम लोग का रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी भी रिजल्ट आने में 1 से 1.5 हफ्ते हैं और अभी वेटिंग लिस्ट भी शुरू हो गई है वहाँ पे। तो भाई मैं नहाने जा रहा था, इसलिए मैं पानी गिरने लगा, तो चलो पानी में ही नहा लेते हैं। पापा ये लो यार, ये बिंग गया, पकड़ो, इसको तो बोले ही गया था मैं कि जेब में पैसा रखा है। तो भाई मैं आप लोग से अपनी बचपन की एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। ये जो जगह आपको दिख रही है ना, इस जगह पे पहले मैं बचपन में बारिश होती थी तो फिसल फिसल के पेट के बल, पीठ के बल कूद कूद के खेला करता था। यहाँ पानी कंटिन्यू गिर रहा है, मैं अभी भी भींग रहा हूँ, साथ में देखो पीछे तो नाला भर गया है भाई, नाला देखो, अगर दिखाई दे रहा होगा तो जूम करता हूँ, देखो उधर तो नाला भर गया है पूरा का पूरा, गलत सीन, मोहल्ला आज डूब गया है, पर बिजली बहुत तेज कड़क रही है, ऐसा लग रहा है आज किसी के ऊपर गिरी, घर में घुस गया पेड़, ये तो पता नहीं हर बार ही झुक जाता है, मज़ा आ रही है भाई, फुल बारिश का मज़ा। कौन आ रहा है? वो नल खोलेगा जाके, हाँ जैसे ही लगाता है, हमेशा आके पहले नल खोलता है, खोल दिया। हाँ क्या कर रहे हो तुम? कहाँ भाग रहे?
चुके तो इस गधे का केला खाने का स्टाइल ऐसे कैसे खिलाएगा चलाओ गोली चलाओ तुम लाइटर ऐसे खेलो और मार दिया बाय कीवी ऐसे करो टाटा बाय दोनों हाथ से नहीं एक हाथ से बाय भाई पापा तो सो गए यार और ये देखते देखते सो चुके हैं पापा हेलो बर्डी तो टाइम हो रहा है 12 और चलो अब सोने चलते खाना पीना तो हो चुका है ठीक है बाय गुड नाइट और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं प्यार कर रहे हैं तो बस छोटा सा एक काम है यार लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग इतना मैंने देखा है ठीक है मिलते हैं